मैं आपको बताना चाहता था कि कलकत्ता के कालीकट पे वास्को डी गामा क्यों पहुंचे, उसके पीछे का क्या कारण था। उसके पीछे का कारण था भारत का समृद्ध इतिहास और व्यापार के क्षेत्र में भारत का समृद्ध इतिहास। व्यापार के क्षेत्र में भारत का समृद्ध इतिहास। तो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे, उससे पहले भारत जो था विश्व में व्यापार में सबसे ऊपर था। काफी उन्नत किस्म के मसाले, काफी उन्नत किस्म की रेशम, काफी उन्नत किस्म का मलमल और कई ऐसे उत्पाद जो भारत में बनाए जाते थे, और उसको ढूंढते ढूंढते कई सारे देशों के व्यापारी भारत पहुंचे, उसमें से ब्रिटिश भी एक देश था। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि हम भारत जो है व्यापार के क्षेत्र में पिछड़ता गया, भारत व्यापार के क्षेत्र में पिछड़ता गया, उसके पीछे का क्या कारण था। भारत के व्यापार क्षेत्र में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति के अंदर भारत का हिस्सा नहीं होना। उसके पीछे का ये कारण था कि जब औद्योगिक क्रांति विश्व में आई तो भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तो उतना फायदा भारत को उस रेवोल्यूशन का नहीं मिल पाया। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई और अपने पांव पसारे और बड़े उत्पादन बड़े लेवल पे उन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया। तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे छोटे व्यापार करके अपना काम करते थे, जैसे मलमल के व्यापारी, रेशम के व्यापारी और भी मैंने जो चीजें बताई उन सभी के व्यापारी, उन सभी की तो उत्पादन लागत आती थी ज्यादा और ऐसे उद्योगों की उत्पादन लागत आती थी काफी कम। तो उत्पादन लागत काफी कम आने से वो काफी कम दर पर वो बाजार में उन उत्पादों को बेच देते थे। इससे धीरे धीरे भारत के छोटे छोटे व्यापारों की कमर टूटती गई। भारत की छोटे छोटे व्यापारों की कमर टूटने से ऐसी स्थिति बन गई कि अब वो वापस से व्यापार करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने एक दूसरी स्थिति अपनाई। अब उन्होंने लोगों को रोजगार की तरफ डालना शुरू किया कि आप इन बड़ी कंपनियों में आप जॉब करें, आप जॉब करेंगे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, अच्छे अच्छे अलाउंसेस मिलेंगे और अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो लोगों ने अब वहां पर उन कंपनियों को ज्वाइन करना शुरू किया। अब बड़े बड़े कंपनियों में काम करना लोगों के लिए गर्व की बात होने लगी। अब कोई भी बिजनेस नहीं करना चाह रहा था। तो इस तब दौर के तहत व्यापार को बड़ा खतरनाक तरीके से तहस नहस किया गया। एक तरह से समझो कि कमर ही तोड़ दी गई व्यापार की। अब न तो कोई ऐसा वर्ग व्यापार के बारे में सोच पा रहा था, जो सबसे बड़ा वर्ग व्यापार कर रहा था और वो जाकर के नौकरी कर रहा था किसी बड़े उद्योग धंधे के उद्योग के अंदर, बड़े कारखाने के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर। तो 1857 के अंदर जो क्रांति हुई, उसने 1947 के अंदर भारत को आजादी दिला दी, लेकिन जिस आजादी, जिस आत्मनिर्भरता के लिए हमने आजादी ली थी वो नहीं मिली, क्योंकि बिजनेस के मामले में भारत का काफी बुरा हाल था। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं किया गया, कई सारे काम किए गए इसके ऊपर भी कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, भारत की इकोनॉमी को कैसे रेस किया जाए। तो कई सरकारों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, पूर्व से लेकर के अभी तक की सरकारें इन्हीं चीजों पर काम करती आ रही है और भारत को अग्रणी देशों के अंदर ले जाना चाहती है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। क्योंकि मैं सुनता आया हूँ, शायद हमारे सीनियर लोग भी सुनते आए होंगे, शायद अभी जो नए जुड़े हुए लोग उन्होंने भी सुना होगा कि हमको पढ़ाया जाता था कि भारत एक विकासशील देश है। ये आज से 20-30 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय पर और पढ़ाया जाएगा। और भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी आप और हम सभी लोगों की है। तो सरकारों ने किस तरह से इस पर काम किया और किस तरह से उस पर कदम उठाए, कुछ मैंने 4-5 पॉइंट स्लाइड में डाले हैं। जैसे कि सबसे पहला काम था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, उसके बाद में था हरित क्रांति, उसके बाद में था श्वेत क्रांति, फिर तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और सरकारी योजना द्वारा व्यापारों को बजट आवंटन करना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे क्या कारण था, सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया। तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले जितनी भी बैंक थी वो अपने शेयरधारकों के लिए काम करती थी। उनका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाना और अपने उस लाभ को शेयरधारकों तक पहुंचाना। और घूम फिर के वही बात आ जाती है, उनके शेयर धारक कौन, वही पूंजीपति जो पहले थे। तो एक वापिस बड़ा वर्ग जो था वो इन सब चीजों और इन सब लाभों से वंचित हो रहा था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सभी नीतियां फिर से फिक्स करी। अब बैंकों की जो नीतियां थी सेपरेट नहीं रह गई थी, अभी एक नीति बन गई थी, देश की नीति बन गई थी। इस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, चरण दर चरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और आज भारत में कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। कुछ एक बैंक छूट रहे हैं और उनका भी बहुत जल्दी सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा दौर आया हरित क्रांति का। हरित क्रांति के माध्यम से भी सरकारों ने सोचा कि क्यों ना इस क्षेत्र में भी काम किया जाए, किसानों को उन्नत बनाया जाए, किसानों को उन्नत बनाने से शायद व्यापार की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा।
तो हरित क्रांति के कई सारे चरण आए, चरण दर चरण उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, उन्नत किस्म की खाद उपलब्ध कराना, किसानों की ट्रेनिंग करना, किसानों को स्किल प्रोवाइड कराना, किसानों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना, और इस तरह से सरकारों ने अलग अलग चरण दर चरण इस पर काम करना शुरू किया और इसका फायदा मिला भी और भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में नहीं, भारत केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ और इसका बड़ा एक फायदा भारत को मिला। उसके बाद में दौर आया श्वेत क्रांति का, जो भी एक जुड़ा हुई बात है हमारे कृषि से ही। तो भारत को पहले आत्म निर्भर रहना पड़ता था दूसरे देशों पर कि हमें दूध मिलेगा और हम दूध लेंगे, लेकिन एक रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति के रूप में भारत में आया और कई वर्षों की मेहनत के बाद में भारत दूध के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हुआ और भारत आज दूध के क्षेत्र में अग्रणी देशों में गिना जाता है, दूसरे तीसरे चौथे पायदान पर इसका नाम लिया जाता है दूध के उत्पादन में। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट रहा, हमारी सरकारों और हमारी निजी कंपनियों का एक सहयोग रहा, दोनों सब ने मिलकर के जो काम किया और आज भारत हम हरित क्रांति के बाद में श्वेत क्रांति में भी के माध्यम से हम दूध के क्षेत्र में और दूध उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाए। तो मैं स्लाइड को थोड़ा पीछे कर देता हूँ फिर से, जैसे कि मैंने बताया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना और सरकारी योजना द्वारा बजट का आवंटन करना। तो मैंने भी बात करी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, मैंने भी बात करी हरित क्रांति की और मैंने भी बात करी थी श्वेत क्रांति की, अब मैं बात कर रहा हूँ तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना। तो तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का क्यों जरूरत पड़ी सरकारों को भारत के अंदर, उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि अब जैसे मैंने बताया था कि 1947 की आजादी के बाद लगातार कई वर्षों तक बड़ी कंपनियों में काम करना गर्व की बात होती थी, होती है, आज भी होती है। आज भी हम आसपास के लोगों से पूछते हैं कि आप तेरी कौन सी कंपनी में जॉब लग गई, अब तुझे कितना पैकेज मिल रहा है। इस तरह से नौकरी करना ही एक गर्व की बात होती है आज की तारीख में। मैं मानता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर लगभग हर क्षेत्र के अंदर यही बात होती है और 70-80% युवा नौकरी करने को पसंद करता है, एक सिक्योर जॉब चाहता है। जैसे कि अभी मंगेश ने बताया था कि एक सिक्योरिटी के लिए मैंने भी 10 साल नौकरी करी सरकार की, क्योंकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना ही है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य रही है क्या कि नौकरी करवाना, हमारे शिक्षा का उद्देश्य कहीं ये नहीं कि इसको व्यापार करना और व्यापार के लिए प्रेरित करना। तो ये तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना, इसके पीछे एक मुख्य कारण ये रह गया कि तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करें और स्किल प्रोवाइड कराए अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड कराए और उनको बिजनेस की तरफ। आप देखें बहुत सारे IIT सब नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है, लेकिन वो रेशियो काफी ज्यादा नहीं है, वो रेशियो काफी कम है, हमें उस रेशियो को बढ़ाना है। और उस कंसेप्ट के ऊपर हमारी कंपनी क्या काम कर रही है वो भी मैं आपको आगे थोड़ा गाइड करूंगा। तो तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करके सरकारों ने काफी ज्यादा हद तक मदद करी और अब लोग व्यापार के क्षेत्र में प्रेरित हो रहे हैं। जो तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़ेगा वो व्यापार ही करेगा, ये बात तो अब तय हो गई, प्रीवियस लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर के वो नया लड़का व्यापार ही करना पसंद करता है। अब उसके बाद में तकनीक तो प्रोवाइड करा दी, अब फंड चाहिए, बिना पैसे के कोई भी व्यापार शुरू नहीं हो सकता, बड़े से बड़े आइडिया जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, आप बिना फंड के एक कदम नहीं चल सकते व्यापार के क्षेत्र के अंदर। हाँ, उपाय अपनी जगह अलग बात है, लेकिन पैसा अपनी अलग जगह बात है, तो दोनों का अपना अपना मामला है। तो सरकार ने सोचा कि जब तक पैसा हाथ में नहीं दिया जाएगा तब तक व्यापार की बात करना तो दूर सोचना ही बहुत खतरनाक स्थिति हो गई। तो मैंने बताया था कि जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वापस पूछे बैंकों का राष्ट्रीयकरण पीछे करने का कारण भी यही था, फंड प्रोवाइड कराना, एक सबसे नीचे के आदमी तक फंड पहुंच जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे स्कीम्स के ऊपर कि कई सारी स्कीम्स के माध्यम से गवर्नमेंट हमको फंड प्रोवाइड कराती है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस तरह की सारी योजनाओं के माध्यम से फंड प्रोवाइड कराता है, इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी देता है, कैपिटल सब्सिडी देता है, टर्म लोन प्रोवाइड कराता है और आप अपना आइडिया, अपना प्रपोजल वहां पे पुट अप करें और एक अच्छा सा फंड वहां से लें और स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराएं, वहां से इन्वेस्टर्स के थ्रू अपना फंड लें। इस तरह से काफी सारे आज प्लेटफॉर्म्स फंड के लिए भी प्रोवाइड हो गए हैं, लेकिन ये भी लगता है कि मुझे सरकारी योजनाओं के माध्यम से काम करना भी एक ना काफी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से फंड को पहुंचाना, सरकारी की योजनाओं के माध्यम से तकनीक देना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से हर तरह से मदद करना, मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बनने में शायद 40-50 साल और लगेंगे। लेकिन जैसे एमसेल का विजन है कि 2030 के अंदर आत्मनिर्भर बन जाना, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हट करके निजी कंपनियों को काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो इसी तरह कई सारी निजी कंपनियां भारत में हैं आज की तारीख में मौजूद है और काम कर रही है, गोदरेज, अडानी, अमूल, टाटा, एशियन पेंट्स, रिलायंस, सरस, ब्रिटानिया, नेस्ले, एलजी, महिंद्रा, ये सारी बहुत सारी कंपनियां और उसमें से एक सेंटर में नाम है एमसीएल, जो सबसे अग्रणी कंपनी है ईंधन के क्षेत्र में काम करने वाली। तो इसी एमसीएल के साथ में आप जुड़ने वाले हैं। तो कई सारी निजी कंपनियों द्वारा इस हेतु कदम उठाए गए
कि क्यों हम भी भारत के इस व्यापारिक रिवोल्यूशन के अंदर हम हेल्प करें। तो एमसीएल भी इसी दौर में कूद पड़ा और सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है। तो अब आपके पास में सवाल आ जाता है कि एमसीएल क्यों, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में है तो एमसीएल क्यों? एमसीएल क्यों का एक अपन एक बढ़िया सा मैं आपको जवाब बताता हूँ। एमसीएल क्यों, माने कि आपने गोदरेज के साथ काम करना शुरू किया, माने आपने रिलायंस के साथ काम करना शुरू किया, माने आपने अडानी के साथ काम करना शुरू किया, बहुत सारे, मैं किसी की विरोध की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी कंपनियां अच्छी है, सभी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं और सभी कंपनियों के व्यापार करने के तरीके काफी अच्छे हैं। मैं किसी का विरोध की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं कि एमसीएल क्यों, एमसीएल अलग कैसे, दूसरा तो हमारा स्लाइड होगा एमसीएल अलग कैसे, इन दो मुद्दों पे विशेष करके बात करने की जरूरत मुझे लगती है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीएल क्यों। एमसीएल इसलिए कि एमसीएल आपको किसी तरह की फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा, एमसीएल आपको किसी तरह का कमीशन एजेंट नहीं बना रहा, एमसीएल आपको किसी तरह की डीलरशिप नहीं दे रहा, एमसीएल ऐसी कोई चीज नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर नहीं हो। एमसीएल आपको एमबीएस नियुक्त करेगा, एमसीएल आपको एमबीपी नियुक्त करेगा और एमसीएल आपको बिल्कुल आपको फ्रीडमली काम करने का पूरा मौका देगा। आप अपनी कंपनी के ओनर बने, आप अपनी कंपनी के एमडी बने, डायरेक्टर बने और काम करें, फ्रीली काम करें गाइडलाइन के अंदर, लेकिन गाइडलाइन को बड़ा फॉलो करना हो, फ्रीली काम करें। हमारी एक लाइन है एमसीएल की, क्रिएटिविटी मस्ट, क्रिएटिविटी दिखाओ अपने काम के अंदर, उसके अंदर कहीं रोक टोक नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा ना। शायद मुझे लगता है कि शाम सर रोकेंगे, लवेश सर रोकेंगे और मंगेश सर तो मुझे लगता है कतई रोकने वाले नहीं है। तो और मैं और आप जैसे दूसरे सीनियर बीडीए, हम आप सभी को वेलकम करेंगे अगर आप इस हमारे इस सेक्टर के अंदर क्रिएटिविटी करते हैं। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंट होकर के सोचो समझो और कैसे इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हो, नए नए आइडिया, हो सकता है हम नहीं सोच पा रहे, हो सकता है आप सोच लो, हो सकता है आपका कोई एमबीपी सोच ले, हो सकता है आपका कोई चैनल पार्टनर ही कुछ आइडिया सोच ले, हो सकता है कोई फार्मर ही कुछ आइडिया सोच ले। तो इस तरह से बहुत सारे तरीकों से मुझे लगता है कि आपको फ्रीडम देने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपके पास में तहसील में तकरीबन 15,000 से 20,000 लोगों की एक फोर्स है। मैं 15,000 से 20,000 लोग बोल रहा हूँ, इट्स मीन की 15,000 से 20,000 माइंड की बात भी कर रहा हूँ। तो 15,000 से 20,000 माइंड है आपके पास में, आप उनसे मीटिंग करें, लगातार मिले, सेशन करें, वेबिनार करें, सेमिनार करें और उनके अंदर से एक इनोवेटिव आइडिया है। हाँ, हमें समझा देते हैं कई बार किसान, मैं जाता हूँ कई बार किसानों के पास में, ऐसे से आइडिया निकल के आते हैं कि क्या कहने उनके, मतलब बात ही कुछ अलग होती है। ऐसे से आइडिया निकल के आते हैं कि ऐसे भी काम किया जा सकता है और वैसे भी काम किया जा सकता है। ये सब बात बताएंगे आपको आपके वो 15,000-20,000 माइंड। तो एमसीएल आपको एक 15,000-20,000 माइंड प्रोवाइड कराता है, एमसीएल आपको तहसील पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एमसीएल आपको एक इंडिपेंडेंट कंपनी प्रोवाइड कराता है और आपको काम करने का भरपूर मौका देता है और आप अपनी कंपनी के ओनर है, ना आप फ्रेंचाइजी है, ना डीलरशिप है, ना आप कमीशन एजेंट है, आप अपनी कंपनी के ओनर है। इसलिए एमसीएल आप मैंने लिखा क्यों, एमसीएल को आपको इसलिए चुनना पड़ेगा। आज आप भारत की और लगभग लगभग विश्व की सारी कंपनियां उठा के देखेंगे, आपको कोई भी व्यापार नहीं सिखाएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि उत्पादन कैसे किया जाता है, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि उत्पादन की लागत कितनी आएगी, आपको ये नहीं सिखाएगा कि उत्पादन से मुनाफा कितना मिलेगा, आपको कभी वो उत्पादन होने के बाद में मुनाफा आने के बाद में कभी भी आपको हिस्सेदार तो कतई नहीं बनाने वाला। लेकिन एमसीएल आपको हिस्सेदार भी बनाएगा, आपको उत्पादन करना भी सिखाएगा। जैसे कि एमसीएल टेंटेटिव आइडिया बताता है कि अगर 100 टन की उत्पादन क्षमता का एक सीएनजी प्लांट लगता है तो 280 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, 130 करोड़ का शुद्ध मुनाफा निकलता है, इसमें से इतना मिलेगा, इसमें से उसको उतना मिलेगा, इसमें से उसको उतना मिलेगा। अब आप इसमें से ज्यादा निकाल सकें, इसमें से कम निकाल सकें, वो आप पे डिपेंड करता है। एमसीएल इसमें भी आपको पूरी छूट देता है, अगर आप ज्यादा निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है एमसीएल आपके प्लांट को 100 to 200 टन, 200 to 300 टन, 400 टन, शायद अनलिमिटेड और भी कई सेक्टर्स के अंदर आपको इन्वॉल्व करेगा, एज ए आपको ज्वाइन कराएगा और आपके साथ और आगे आगे के बहुत सारे एमओयू और आपके साथ में पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एमसीएल क्यों, इसका आपको सवाल जवाब मिल गया। और अब एमसीएल अलग कैसे, एमसीएल अलग कैसे को थोड़ा सा अपन थोड़ा सा समझें कि अलग कैसे। तो आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि एमबी आएगा, मेरा बिजनेस एंटरप्रेन्योर आएगा, इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू फाइनलाइज करेगा, फाइनलाइज करने के बाद में काम करना शुरू करेगा। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करेगा, एफओ एक्ट के तहत लिमिटेड कंपनी बनाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा। एफओ एक्ट किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सीएनजी का उत्पादन करने वाली। अरे भाई, दोनों कंपनी अलग अलग है, इन दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? एक तो किसान की कंपनी, एक फैक्ट्री, और किसान का फैक्ट्री से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पे यही चीज, यही संबंध इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अलग बनाता कि किसान उत्पादक संगठन के साथ में अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक एमओयू करके संबंध स्थापित कर लेगी तो हमारे प्रोजेक्ट को रॉ मटेरियल की कभी कमी नहीं आने वाली।
मैंने जैसे बताया 15 से 20 हजार माइंड मिलते हैं साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो एफपीओ के साथ में जो संबंध स्थापित करने वाली बात है वो इस एमसीएल को थोड़ा सा लोगों से और दूसरे प्रोजेक्ट से दूसरे कंपनियों से अलग बनाती है। तो आपको पता पड़ गया एमसीएल क्यों और एमसीएल अलग कैसे। अब हम थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा एमसीएल के द्वारा ईंधन के क्षेत्र का चुनाव क्यों किया गया, इसका क्या कारण था, अब थोड़ा इसके बारे में समझाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं माइथोलॉजिकल बात करता हूँ। हम विक्रम संवत के अनुसार, ईस्वी सन के अनुसार नहीं, विक्रम संवत के अनुसार अभी हम 2076 में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 24 साल के भीतर भीतर 21वीं सदी का आरंभ होगा। अभी 20वीं सदी में हम लोग बैठे हैं, 21वीं सदी का आरंभ होगा और 21वीं सदी से लगता है कि लगभग लगभग कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। अब कलयुग के बारे में बताते हैं कि कलयुग क्या है। कल पुर्जों पर चलने वाला युग, कलयुग कल पुर्जों पर चलने वाला युग। क्या कल पुर्जे हवा में चलेंगे? कल पुर्जों को चलाने के लिए चाहिएगा ईंधन। ईंधन कहां से आएगा, कितना निकालोगे धरती से, निकाल निकाल के खत्म कर चुके हैं और 20-30 साल के बाकी रह गया है। अगर फिर भी अगर नहीं सोचा तो वो भी खत्म हो जाएगा, फिर सब धरातल पे आगे खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कलयुग के अंदर ईंधन की आवश्यकता और कल पुर्जों के लिए ईंधन की आवश्यकता, वाहनों के लिए ईंधन की आवश्यकता, उत्पादन इकाइयों के लिए ईंधन की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी को सोचना था, वो सोच बनाई है एमसीएल ने। इसलिए ईंधन के क्षेत्र को पहले चुना, और केवल ईंधन के क्षेत्र को नहीं चुना, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको समय समय पर जब सेमिनार और वेबिनार आप अटेंड करेंगे तो पता पड़ेगा कि एमसीएल डे बाय डे कैसे कैसे दूसरे दूसरे सेक्टर्स के अंदर एंट्री करेगी। लेकिन सबसे पहले चाहिए होता है, बहुत सारे सेक्टर्स की बात करने के लिए चाहिए होता है फंड, पैसा। जैसे समझे कि एक व्यक्ति 18 साल की उम्र में अपना करियर को शुरू करता है और तकरीबन 20-22 साल वो कुछ काम करता है, जॉब करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, साथ में हल्की फुल्की सेविंग लेता है। सेविंग लेने के बाद में 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ में वो सोचता है कि मैं छोटा सा बिजनेस शुरू करूं। तो एक एक्सपीरियंस उसको मिला और एक फंड मिला तो वो आगे सोच पाया। तो ये ईंधन के क्षेत्र में काम करके एमसीएल में हम एक फंड रेस कर पाएंगे, फंड रेस करने के बाद में और नए नए आइडियाज के बारे में सोच पाएंगे और अपने प्रॉफिट को उस सेक्टर में लगा पाएंगे। और इसलिए हमने ईंधन के क्षेत्र को चुनाव किया क्योंकि ईंधन आज की डिमांड है और ईंधन आने वाले 50 से 60 वर्ष 60 से 70 वर्ष, शायद हो सकता है 100 वर्ष तक तो ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, शायद आप भी होंगे या मैं भी होंगे या हम सब होंगे भी या नहीं, लेकिन हम 50-60 सालों की तो विचार करके सोच ही सकते हैं। ईंधन की आवश्यकता क्यों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई दिया ईंधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कलयुग की शुरुआत होने वाली है, सीधी सिंपल सी बात, कलयुग की शुरुआत होने वाली है, ईंधन की आवश्यकता है, हमें फ्यूल चाहिए और चाहिए। जैसे आप सभी को बताते होंगे बार बार वेबिनार में और कई सारे सेमिनार्स के अंदर, 7.5 लाख करोड़ का फ्यूल भारत आयात करता है विदेशों से। ऐसे तरह भारत करता होगा तो कई सारे दूसरे देश भी तो करते होंगे, किसी ने कहीं से करते होंगे। तो हम उस सारे आयात को रोक लेना, सारे आयात को रोक, भारत के आयात को तो रोकना है, रोकना है बाकी दूसरी कंपनी को भी रोकना है, दूसरे कंट्रीज का भी रोकना है। तो इन सारे आयात को रोके और वो फ्यूल को हम उसी क्षेत्र में उसी जगह पर बना करके और वहीं इस्तेमाल कर सके, उसकी लागत को कम करें, उत्पादन को बढ़ाएं और इस तरह से ज्यादा फ्यूल हम बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारी कंपनी का विजन है। इसलिए हमें ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन के क्षेत्र का भविष्य मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, ईंधन के क्षेत्र का भविष्य क्या है, आने वाले 60 से 70 साल तक ईंधन का क्षेत्र का भविष्य। अब मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान में उदयपुर, और हमारे यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी का संगमरमर निकलता है, मार्बल, यहाँ से लेकर 200-250 मीटर तक काफी सारे माइंस है और वहाँ पे ग्रीन, ब्लैक और इटालियन टाइप का मार्बल, काफी सारा मार्बल वहाँ पे मार्बल निकलता है। जब मार्बल का बूम आया ना तो लोगों ने माइंस खोल के बैठ गए, काफी सारे लोगों ने मार्बल से रिलेटेड कंपनियां खोल के बैठ गए और 10 से 20 साल तक काफी बूम चला, लोग करोड़पति और अरबपति हो गए। अब उसका भविष्य खत्म हो गया, अब सेरेमिक टाइल्स का जमाना आ गया है, अब कहां मार्बल की कटिंग और घिसाई करते हैं लोग, सीधा सेरेमिक टाइल्स लगाते हैं और अपने घर को बना के फिनिश करते हैं। लेकिन ईंधन का क्षेत्र का भविष्य तो हमेशा ही रहने वाला है भैया। ईंधन का क्षेत्र के अंदर अगर आप काम करना शुरू कर दिया है वो, तो मुझे लगता है कि जब तक गाड़ियां चलेगी, जब तक इंसान सोचेगा कि मैं यहां से वहां जाऊं, वहां से वहां जाऊं, वहां से वहां जाऊं, इट्स मीन कि ईंधन की आवश्यकता है। तो खाना पीना बंद नहीं होगा और ईंधन का भी बंद नहीं होगा, इसलिए ईंधन का भविष्य काफी बेहतर है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है आपके और हमारे बीच की, जो नए सारे अभी MBS आए हैं और MCL के बीच की बात बताता हूँ मैं, MCL क्या रोल प्ले करेगा और आप उसको कैसे काम को आगे बढ़ाएंगे। तो व्यापार के चयन से पूर्व व्यापार के संचालन हेतु ध्यान देने योग्य बिंदु और उस हेतु MCL की भागीदारी। तो MCL ने अपनी सबसे पहली भागीदारी तो आपका इंटरव्यू क्लियर करते ही कंप्लीट कर दी, सही व्यापार का चुनाव। मैं आपको दावा करता हूँ भाई साहब, आप सबसे सही व्यापार में आकर के बैठ चुके हो आज की तारीख में।
जिसका काफी अच्छा भविष्य है आने वाले टाइम में, 60-70 साल तक, 100 साल तक, आसाद आने वाले सैकड़ों साल तक इस व्यापार का भविष्य है। सबसे सुरक्षित व्यापार के अंदर आप आके बैठ गए हो और एमसीएल ने वो अपनी भागीदारी पूर्ण कर ली, उस व्यापार का भविष्य। अच्छा, मैं थोड़ा सा हटके बताता हूं, समझो कि आप एमसीएल में नहीं आए, आप दूसरा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको इन्हीं बिंदुओं का पालन करना है। मैं थोड़ा स्लाइड को फास्ट चलाऊंगा। सबसे पहले देखें आप सही व्यापार का चुनाव, उस व्यापार का भविष्य, सही टीम का चुनाव, सही कर्मचारियों का चुनाव, कर्मचारियों का सही प्रशिक्षण, कार्य की सही रूपरेखा, रूपरेखा का सही क्रियान्वयन, सफल बनना, बचत करना और सफल बने रहना, ये सबसे बड़ी बात है, सफल बने रहना। इन 10 बिंदुओं पे ही एमसीएल काम करेगी। और एमसीएल क्या, अगर आप कोई भी व्यापार चुनोगे तो आपको इन 10 बिंदुओं पे ही काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इन 10 बिंदुओं पे काम करने की हमारा अलग एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर बीडीए, हमारे प्राइम बीडीए, हमारे कंपनी के डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट सर और दूसरे जो एमबीए जो काफी आगे हद तक बढ़ चुके हैं, वो अपना अनुभव लेके बैठे हैं। आप आज आप नई कंपनी फॉर्म करेंगे, एक एफओ फॉर्म करेंगे, कैंपेन फार्मर्स के कैंपेन को शुरू करेंगे और काफी सारी चीजें करेंगे, उसको कैसे करने वाले हो, काफी उसका एक एक्सपीरियंस, एक बड़ा एक्सपीरियंस तो मेरे पास ही है। आप सीधा मुझे फोन करके पूछ सकते हैं कि इसको कैसे करना है, मैं आपको शायद कुछ अच्छा आइडिया बता पाऊं। तो सही व्यापार का चुनाव करना, उस व्यापार का भविष्य देखना, सही टीम का चुनाव करना, इन सारे मामलों में आपको एमसीएल डे बाय डे आपको हेल्प करेगा। आप 24 आवर्स आप एमसीएल में फोन करके किसी भी बीडीए को, किसी भी प्राइम बीडीए को, किसी भी सीनियर बीडी को, आप कंपनी के डायरेक्टर्स को 24 आवर्स आप फोन कर सकते हैं। करना नहीं हुआ था लेकिन कर सकते हैं, और आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, सही टीम का चुनाव कर सकते हैं, सही कर्मचारियों का चुनाव कर सकते हैं। इन सभी मामलों में आपको एमसीएल बरोबर हेल्प करेगा। कर्मचारियों का सही प्रशिक्षण, वो बड़ा जरूरी है। अगर आपने सही कर्मचारी तो चुन लिए, अगर उनका प्रशिक्षण सही नहीं किया तो भी आपका व्यापार फेल हो जाएगा। और कार्य की सही रूपरेखा भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी रूपरेखा होनी चाहिए, कार्य की सबसे अच्छी रूपरेखा होनी चाहिए। जब तक कार्य की सही रूपरेखा नहीं बनेगी तब तक किसी भी व्यापार को सफल नहीं बनाया जा सकता। और कार्य की सही रूपरेखा आप ईमेल, अपनी ईमेल आईडी पर आप मेल लिखकर के मात्र 5 मिनट बाद प्राप्त कर सकते हैं। 5 मिनट में एमसीएल आपको एक कार्य की सबसे सही रूपरेखा दे देगा कि ये तो सबसे सही रूपरेखा है, इससे चलो, इट्स मीन गाइडलाइन। रूपरेखा का सही क्रियान्वयन, अब रूपरेखा का सही क्रियान्वयन करना है, उसके लिए आपको एक सीधा फोन करना है किसी भी प्राइम मीडिया, किसी भी सीनियर वीडियो, इंडिया में कहीं भी आपको फोन करना है कि इसका क्रियान्वयन कैसे करना है। आपको तकरीबन अगर 50 फोन करोगे तो 50 आइडिया मिलेंगे, 25 फोन करोगे तो 25 आइडिया मिलेंगे, 5 फोन करोगे तो 5 आइडिया मिलेंगे। तो सही रूपरेखा मिल गई, रूपरेखा का सही क्रियान्वयन करने का आपको मदद मिल गई। तो ऑब्वियसली बात है, इन सारे विद्यों अगर आपने पालन किया तो सफल तो आप बन ही जाओगे, ये तो तय रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति सफल बनेगा, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती आप सभी के साथ रह जाती है, एमसीएल भी आप में उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, वो है सफल बने रहना। तो एमसीएल आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड चला रहा था, घमंड मत करो, ये मत करो, वे मत करो, ऐसा क्यों बोल रहा है? ये इसलिए बोल रहा है कि आपको सफल बने रहना है, बनना नहीं है, बने रहना है, लगातार 30 साल तक बने रहना है। थोड़ा सा भी घमंड आया, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गए, आप 2, 4, 10, 15, 20 और शायद 100 पायदान नीचे आ जाओगे। सांप सीढ़ी के खेल की तरह है ये सफल बने रहना। जब आप 99 पायदान पहुंच जाओगे तो सांप काट सकते हैं आपको, इसका मतलब 99 पायदान पहुंच के आप सुरक्षित नहीं हो जब तक कि आप 100 पे नहीं पहुंच जाओ। और 100 पे जब आप पहुंचोगे, जब आप खुद ही लोगों को बोल दोगे कि मैं अब रिटायर हो गया, तब आप 100 पहुंच सकते हो, उससे पहले 99 वाला ही मामला चलेगा। तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं क्लब 99 में आने के लिए भी। हम सब क्लब 99 के मेंबर है और आप भी क्लब 99 के मेंबर बन चुके हो, 100 की तरफ बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है, एमसीएल प्रोजेक्ट में एमबीएस की आवश्यकता। साहब आप लोगों की आवश्यकता हमें क्यों है? अच्छा, हम समझे कि एमसीएल ये सारे प्रोजेक्ट खुद तो कर सकता था, इतना पंड तो पड़ा हुआ है, वीडियो बनाता और प्लांट का काम शुरू कर सकता था। मुझे लगता है कि एमसीएल के बाकी लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर हम इस प्रोजेक्ट इस तरह से काम करने जाते तो शायद हमको 2030 नहीं, रीजन 2050 करना पड़ता, हम 20 साल आगे हो गए। तो एमबीएस की नियुक्ति क्यों की जा रही है? लोकल सपोर्ट, आपका वहां का लोकल नॉलेज, आपकी वहां की कमांड, वहां की लैंग्वेज के ऊपर कमांड, वहां के लोगों के ऊपर कमांड। हम लीडरशिप स्किल क्यों चुन रहे हैं, देख रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, हम हर चीज का पोटेंशियल क्यों देख रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, देखने का कारण यही है कि आप वहां पर लीड करने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो, वहां पर रहने वाले डायरेक्टली तो देखा जाए तो 15,000 किसानों के तो आप लीडर हो ही। आप 1248 वर्कर के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आप तकरीबन बाहर काम करने वाले 3,000 लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको बाहर से मदद कर रहे हैं उनके लीडर हो, आप तहसील पे आपकी 1 लाख की आबादी, 1.5 लाख की आबादी, 2 लाख की आबादी, आप उनके लीडर हो,
आपसे रोज दर बदर आपसे प्रशासनिक अधिकारी टकराएंगे, आपसे रोज दर बदर राजनीतिक लोग टकराएंगे, आप उन सबको डील करना है और आपको लीड करना है। तो ये सब करने वाला व्यक्ति वहां पे एमबीएस होना चाहिए। इसलिए एमसीएल को एमबीएस की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि एमसीएल को एमबीएस की आवश्यकता नहीं है, एमसीएल को भी एमबीएस की आवश्यकता है, लेकिन अच्छे एमबीएस की आवश्यकता है जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे लीड कर सके और कंपनी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। तो एमसीएल प्रोजेक्ट में एमबीएस की आवश्यकता क्यों है, आप समझ रहे हो, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन दिस प्रोजेक्ट, आप सबसे वैल्यूएबल पर्सन हो, आपका एमबीपी, आपका चैनल पार्टनर और आपका एफपीओ का एक फार्मर जो 110 रुपए देकर के आपका मेंबर बनेगा, वो भी एक वैल्यूएबल पर्सन है। कोशिश करें कि आप उसकी योग्यता को पहचाने और उसको ऊपर भेजें, उसको ऊपर भेजेंगे अगर कमलेश सेन सीनियर पीडीए बन सकता है तो मेरे को लगता है कि 110 रुपए देकर के फार्मर जो है वो भी एमसीएल का डायरेक्टर बन सकता है आने वाले समय में, मैं ऐसा मानता हूं। अगर मैं कुछ बन सकता हूं तो कई सारे लोग बहुत कुछ बन सकते हैं। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि एमसीएल में एमबीएस की आवश्यकता क्या है, एमसीएल प्रोजेक्ट में एमबीएस का कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ी बात यहां पे रहती है आपके कर्तव्य, आपके अधिकार की बात आएगी, फिर बात करेंगे आपके फायदे की। सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्तव्य की। तो साहब कर्तव्य आपका यही है, काम करो, सिंपल सी एक ही वर्ड के अंदर बात बोलो, काम करो, गाइडलाइन के अंदर करो, ईमानदारी रखो, जैसा जिसने बोला है वैसा ही ऊपर बताओ। किसी ने ऐसा नहीं कि गीले चावल के अंदर शक्कर डल गई तो आपने खीर बता के ऊपर ऊपर भेज दिया, ऐसा नहीं उसको चावल बता के ऊपर भेजना है। तो कुछ भी चीज अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं, कुछ भी ऐसी अपने आप को ऊपर बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदार, मैं देखता था जब मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा तो मैं देखता था यार मेरी मॉनिटरिंग कौन करता होगा, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ एक कोने में बैठ करके, मुझे कौन देखता होगा, लेकिन देखने वालों ने मुझे कोने में बैठे बैठे भी देख लिए। देखने वाला कहीं भी देख सकता है, मुझे लगता है कि मंगेश सर की आंखें और लवे सर की आंखें और श्याम सर की आंखें, मुझे लगता है कि 8-10 आंखें तो होगी, मुझे ऐसा लगता है, तभी तो ये देख पाते होंगे इतना कुछ। तो जब मुझे देख सकते हैं तो आपको भी देख सकते हैं, वो कोने में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, उसकी योग्यता को पहचान सकते हैं। और योग्यता जो होती है कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती, वो आगे आ ही जाती है, कैसे भी करके आगे आ जाएगी। तो अगर आप योग्यता रखते हो तो आप आगे आ ही जाओगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया साहब, मैंने फलाना वो कर दिया साहब, मैंने ये तीर मार लिया, मैंने वो तीर मार लिया, कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से कार्य करो, सीधी सिंपल सी एक शब्द के अंदर पूरी बात, यही एमबीएस का कर्तव्य है। शुरुआत में आगे बढ़ते जाएंगे बात अलग है। एमसीएल प्रोजेक्ट में एमबीएस का भविष्य हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर, भविष्य तो आपका सुरक्षित है, हर बात का मैं अब आपको एक एक जवाब देता दूंगा, भविष्य सुरक्षित है, कर्तव्य में आपको एक लाइन में आपको काम करना है। एमसीएल प्रोजेक्ट में एमबीएस की जवाब देवी, सर ये एक खतरनाक पॉइंट है, जवाब देवी बड़ी खतरनाक हो जाती है साहब, आपको शायद हो सकता है पुलिस अधिकारी उठा के लेके चले जाए, हमारे कई एमबीएस के साथ ऐसा हो गया शायद आपको बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आकर परेशान करे, आपको चोरों की नजर से देखा जाए। मेरे को खुद को बोला गया, एडिशनल एसपी थे, उन्होंने हमारे लोगों को बोला कि आप उन कंपनी के कौन सीनियर पर्सन उनको भेजो। मैं वहां पर गया और वहां पर जाते ही जब मैं बैठा तो उनके हाथ में अपनी कंपनी का पैम्पलेट था और वो पढ़ रहे थे। मैंने बोले बताइए श्रीमान क्या बात हुई, उन्होंने देखा कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं झाड़ों क्षेत्र के अंदर, जी श्रीमान बिल्कुल कर रहे हैं, बताइए क्या आपत्ति है, कि प्रथम दृष्टया 420 प्रतीत होता है। मैं थोड़ा आगे झुका, मैं कहा श्रीमान सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। वो बोले प्रथम दृष्टया 420 प्रतीत होता है, मैं कहा सोच समझ के बोल रहे हो, एक बार फिर से बोल लेना, क्योंकि तीन बार तो सबको मौका दिया जाएगा, तो दो बार तो दे दिया, एक बार फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं, फिर से तो चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले। मैं क्या आपने हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट देखे, क्या आपने हमारी कंपनी को सब कुछ चेक किया, क्या हमारे कंपनी के डायरेक्टर से बात करी, सीधा 420 कैसे बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, और एक अच्छे ऐसे ओहदे में बैठ करके ये बात कैसे कर सकते हैं। तो जवाब देवी खतरनाक हो जाती है, जवाब देवी नीचे के लोगों को और जवाब देवी ऊपर के लोगों के, ये दोनों जवाब देवी अगर आपने देना अगर अच्छे से सीख लिया, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, शायद मुझे लगता है कि ऊपर के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप चलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। जवाब देवी तब अच्छी होगी जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मेरे को लगता है कि मंगेश सर और लवेश सर ये सब कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं इंटरव्यू के अंदर, और इन्होंने आपको चेक करके बिठाई दिया तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बस जवाब देवी देना सीख जाना और अच्छे से देना सीख जाना। एमसीएल प्रोजेक्ट के बारे में लोगों द्वारा मुख्यतः पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब, ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज है, पूछो मत कैसे कैसे सवाल पूछे गए, क्या नहीं पूछा गया, मतलब समझो खाली कपड़े उतार के हंटर नहीं मारा बस, और बस अंदर हो रहे थे आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, कई सारे सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, शायद अब उन सवालों से आपको कभी भी रूबरू नहीं होना पड़ेगा, उनके जवाब हम दे चुके हैं, कई सारे सवाल को तो समय के साथ ही जवाब मिल गया,
कई सारे सवालों को हमने खुद ने जवाब दे दिया, वो कभी उठ करके नहीं आने वाले। लेकिन इनमें से एक मुख्य रूप से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, वो बड़ा खतरनाक सवाल है। वो सवाल है एक सामान्य सवाल जो कहानी के माध्यम से मैं इसका एक जवाब दूंगा। एक सामान्य सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, साहब आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, खुलेगी कब? ये एक बड़ा खतरनाक सवाल है। और मैं आपको हाथी के जन्म के माध्यम से एक कहानी सुनाऊंगा। हाथी की कहानी, हाथी का जन्म बता दो मैं कैसे होता है। अच्छा, एक कुतिया और एक हथनी दोनों अच्छी सहेलियां थी और दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई और दोनों ने एक दूसरे को बड़ी बधाई दी कि चलो बहना अपन दोनों प्रेग्नेंट हो गए, अब अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो दोनों ने अपने दो को बधाई दी और अपने अपने घर की तरफ चली गई। मात्र 60 दिन निकले, मात्र 2 महीने निकले और कुतिया की डिलीवरी हुई और उसने 8 से 9 बच्चों को जन्म दिया। तो वो बड़ी खुश होकर के हथनी के पास गई, देखो वहां पे भी कुछ हुआ होगा। वो वहां गई तो वहां पे कुछ नहीं, वहां तो सब सामान्य था। तो उसने बोला कि मेरी डिलीवरी हो गई, मैंने 9 बच्चों को जन्म दिया। हथनी बोला बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, अच्छा अच्छा हुआ कि आपका, हाँ मेरा भी कुछ दिन में होने वाला है। ठीक है, फिर कुतिया चली गई, फिर 2 महीने गुजरे, 2 महीने बाद फिर वो प्रेगनेंट हो गई, फिर 2 महीने बाद उसने फिर से बच्चे दिए और वापिस से 9 बच्चे उसने दिए। फिर वो हथनी के पास पहुंची, बधाई हो मेरे बच्चे हो गए, 9 बच्चे फिर से हो गए, 18 हो गए, आपका क्या हाल है? हाँ हाँ बिल्कुल बड़े, मेरा भी कुछ होने वाला ही है। इस तरह से तकरीबन 5 से 6 बार तकरीबन कुत्ते ने अपने 9 से 9 बच्चों को जन्म दिया और आप गिन सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे। तो तब भी हथनी का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लास्ट में कुत्ते ने पूछा कि कोई प्रेगनेंट भी हो या नहीं ये तो बताओ। तो ना प्रेगनेंट तो हूं, किसने कहा नहीं हूं, तो फिर डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? उसने बोला बहना हाथी का बच्चा है, जन्म लेगा ना तो थोड़ा समय लेगा और जब धरती पर आएगा ना तो एक बार तो धरती हिलेगी, जब बाजार में चलेगा ना बाजार रुक जाएगा। ये हथनी का बच्चा है, 22 महीने देता है। तो ये एमसीएल की जो फैक्ट्री है ना, ये थोड़ा हाथी का बच्चा है, ये थोड़ा समय जरूर लेगा लेकिन आएगा जरूर। अब हथनी का बच्चा कैसे, वो मुझसे पूछिए, हम जब एमबीएल को समझाते थे फैक्ट्री लगेगी, अरे एक प्राइवेट कंपनी बनाओ, एक एफ बनाओ, 15,000 किसान जोड़ो, 14 एनओसी लो, जमीन को एने करो, बीओपी तैयार करो, घर को डर लो, काम करो, सिविल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। 12 महीने फैक्ट्री हाथ में नहीं आती है, कभी नहीं आती है। 12 महीने फैक्ट्री कभी हाथ में नहीं आती है, आ भी सकती है। वो मैंने आपको पहले बता दी ना, अगर आप सारी सही रूपरेखा को पालन करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, सब कुछ करेंगे तो शायद आ जाए, लेकिन आती नहीं, बड़ी मुश्किल है भाई साहब। ये हाथी का बच्चा है, ये बहुत मुश्किल से पैदा होगा। अगर इसके लिए आपको पहले सबसे पहले हथनी के डिलीवरी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप हथनी के डिलीवरी के कंसेप्ट को समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैक्ट्री खोल लोगे। तो अगर आपसे आज के बाद में कोई सवाल पूछे कि फैक्ट्री कब खुलेगी, तो बोल दे भाई साहब हाथी का बच्चा है, टाइम लेगा। एक ही जवाब, सिंपल सा जवाब, और कोई जवाब नहीं। मुझे पता है ये पूछने वाला सवाल है, लोग आपसे पूछेंगे जरूर, बार बार पूछेंगे, हर 15 दिन में आके पूछेंगे। साहब ये कोई साड़ी की दुकान तो नहीं है, कपड़े की दुकान तो नहीं है, फर्नीचर बनाया, डिपॉजिट दिया, चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये फैक्ट्री है, समय लेगी, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगता है इन सब चीजों में। तो ये सब बातें हैं और मेरे आपको कुछ बता पाया और आप लोगों ने मुझे सुना और इसके लिए मैं सभी आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सुनने लायक समझा, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो आराध्य हैं राणा प्रताप और महाराष्ट्र के जो आराध्य हैं शिवाजी महाराज, तो मैं एक नारा बोलूंगा, जय शिवा सरदार की और जय राणा प्रताप की। इसी के साथ मैं सभी साथियों को धन्यवाद बोलता हूं और आप मुझे सुन पाए उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।